नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। एनडीए में शामिल दो घटक दलों ने, देखिए बीजेपी और जेडीयू ने अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, जेडीयू ने आरसीपी सिंह का पत्ता काट दिया है। आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं जाएंगे, टिकट नहीं दिया है। और जेडीयू ने किसे दिया है ये तो बताएंगे, लेकिन इससे पहले बात बीजेपी की कर लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से दो सीटों पर अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर दी है। पांच सीटों पर चुनाव होने हैं। आरजेडी ने सबसे पहले बाजी मारी। लालू यादव ने पटना पहुंचते ही अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा की। इसके बाद नामांकन भी हुआ, लेकिन अब बारी बीजेपी और जेडीयू की थी, लिहाजा इंतजार था कि आखिरकार कौन जा रहे हैं बीजेपी से राज्यसभा और कौन जेडीयू से। देखिए, जेडीयू को लेकर सस्पेंस बरकरार था। आरसीपी सिंह के नामों पर चर्चा थी। आरसीपी सिंह कई बार नाराजगी के तेवर में भी दिखे, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको दे दे, जेडीयू ने खीरी महतो को, देखिए खीरी महतो जो कि झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें भेजा है, ललन सिंह के करीबी हैं। आरसीपी सिंह का पत्ता कट गया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, आरसीपी सिंह जो कि केंद्र सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री थे, यूपी चुनाव में उन्हें प्रभारी बनाया था जेडीयू ने, लेकिन बीजेपी के साथ बातें करते करते अंत स्थिति में जेडीयू को अकेला चुनाव लड़ना पड़ा। और साफ तौर पे यह माना जाता है कि जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनमें और आरसीपी सिंह में 56 का आंकड़ा है। नीतीश कुमार ने भी मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ललन सिंह के करीबी खीरी महतो को टिकट मिला है। झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व विधायक हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बीजेपी की बात कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी ने एक बार फिर से सतीश चंद्र दुबे को राज्यसभा भेजा है। दूसरा नाम है शंभु शरण पटेल। देखिए, नए नए मेहमान हैं, बीजेपी में आए हैं, जेडीयू में थे जब बिहार में नीतीश कैबिनेट में श्याम रजक मंत्री थे उद्योग विभाग के, तब उनसे बगावत हुई और जेडीयू छोड़कर आए थे। बड़े ठेकेदार हैं और बीजेपी में आते हैं, इस बार तोहफा मिला। देखिए, बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को निराश किया है, बीजेपी के नेताओं में नाराजगी है। कहना है कि नए नए मेहमान को भेजा गया है राज्यसभा, जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, उन्हें तवज्जो नहीं दी गई है। दूसरी ओर जेडीयू ने जो चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, दोस्तों नीतीश कुमार का यह फैसला है बड़ी खबर इस वक्त की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला है, खीरी महतो को जेडीयू ने राज्यसभा भेजा है। सबसे बड़ी खबर सतीश चंद्र दुबे जो कि पश्चिमी चंपारण के इलाके से आते हैं, बड़ा दबदबा है पार्टी में, बड़ा कद है, राज्यसभा के सांसद थे, पुनः एक बार बीजेपी ने सतीश चंद्र दुबे को भेजा है राज्यसभा। दूसरी ओर गोपाल नारायण सिंह का टिकट कटा, शंभु शरण पटेल राज्यसभा जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, बिहार के सियासत से जुड़ी हुई, देखिए लगातार जिस तरीके से जेडीयू में बगावत देखने को मिली, जिस तरीके से नाराजगी देखने को मिली, जिस तरीके से ललन सिंह और आरसीपी सिंह में आर पार देखने को मिला, इन सब के बीच अब इंतजार था नीतीश कुमार के फैसले का। नीतीश कुमार ने नाम क्लियर कर दिया है, झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरी महतो अब राज्यसभा जा रहे हैं, पूर्व विधायक हैं। दूसरी ओर बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे और शंभु शरण पटेल को टिकट मिला है, यानी आरसीपी सिंह का पत्ता कट गया। क्या होगा, बड़ा खेला होगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।